भैया स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। आज हम जाने वाले हैं क्लाइमैक्स एकेडमी, क्योंकि आज वहां पर फॉर्मूला बुक बटने वाली है। तो चलिए चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है अभी भी, और मैं अभी लेट में पहुँचा हूँ। ओह नो, कितनी ज़्यादा भीड़ है। आप लोगों में बता दूं कि बच्चे कल शाम से यहाँ पर आ रहे हैं और लगभग 20,000 बुकलेट छपी हुई है, और बच्चे भी लगातार। अभी मैं आया हूँ थोड़ा लेट में, मैं 7 बजे आया हूँ, लेकिन बच्चे रात से 11:30 बजे से लगभग यहाँ पर लाइन लगा के खड़े हुए थे, और उनको बुकलेट आधे बच्चों को मिल चुकी है, वो जा चुके हैं, लेकिन फिर भी भीड़ बढ़ती जा रही है, बच्चे आते ही जा रहे हैं। ओह माय गॉड, इतनी भीड़ अभी भी लगी हुई है। लेकिन अभी बच्चे यहाँ पर रोके गए हैं बॉयज़ को, क्योंकि अंदर अब गर्ल्स को बुकलेट मिलने वाली है, तो इसलिए अब गर्ल्स लोग अंदर जाएंगी और बॉयज़ लोग को अभी थोड़ी देर रोका जाएगा। फिर जब गर्ल्स को बुकलेट मिल जाएगी, उसके बाद फिर बॉयज़ लोग को मिलेगा। यहाँ पर ये भैया सत्या लाइव टीवी वाले भी इंटरव्यू ले रहे थे सर का, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी भाई। और हाँ, सबसे पहले आप सभी लोगों को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं, और आप लोग भी अपने घर पे तिरंगा लगाइए और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मनाइए अपने घर पे। हम लोग तो भैया रोड पे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। अब देखते हैं कब हम लोग को बुकलेट मिलती है और कब चलते हैं। फॉर्मूला बुक लगभग 20,000 छपी हुई है। क्लाइमैक्स एकेडमी के जो MD सर हैं हमारे, उन्होंने बताया था। ये रहे हमारे रवि सर, जो कि रीजनिंग के एक्सपर्ट हैं। ये रीजनिंग पढ़ाते हैं हम लोग को, और ये भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं बच्चों को रोकने के लिए, लेकिन बच्चों का सैलाब इतना ज़्यादा है कि रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अभी गर्ल्स लोग अंदर जा रही है, इन लोग को बुक मिलेगी। इन लोग को पहले ही, इन लोग को 7 बजे से लगभग टोकन बटना शुरू हो चुका था गर्ल्स लोग को, और बॉयज़ को 5 बजे से टोकन मिला था। कई सारे बच्चे तो भैया रात में 11 बजे आकर ही टोकन ले लिए थे, और लगभग 5 से 6 घंटा इंतजार करने के बाद उनको बुकलेट मिली थी। तो अभी भी भीड़ देख सकते हैं आप लोग, कितनी ज़्यादा भीड़ है। ओहो, और यहाँ पर अब दूसरे हॉल में बच्चों को अंदर शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि क्योंकि मेन जो हॉल है वो फुल हो चुका है, और ऐसी 4 ब्रांचेज हैं, और चारों ब्रांचेज में लगभग इतनी ही भीड़ थी, और लगभग 10,000+ बच्चे आए हुए थे, और अभी भी भीड़ बढ़ती जा रही है। अब देखो कब तक ख़त्म होती है। और हम चलते हैं किसी तरीके से बुकलेट लेते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं रूम पे। और बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, मेरी तो हालत ख़राब हो रही है, और धूप भी बढ़ती जा रही है। और पिछली बार न्यू ईयर में भी हम लोगों ने ऐसे ही न्यू ईयर सेलिब्रेट किया था रोड पर ही। आप लोग ने अगर मेरा वो वीडियो देखा होगा, मेरे इस चैनल पे पढ़ा होगा, मैंने उसमें भी वीडियो बनाई थी। इससे भी ज़्यादा उस समय भीड़ थी, और आज तो कुछ ज़्यादा ही है। पूरा हाउस फुल हो चुका है, जितना एकेडमी पूरा अंदर हॉल फुल हो चुके हैं, बाहर इतने बच्चे भी खड़े हुए हैं, और वो सामने रोड के उस पार भी एक हॉल बना हुआ है। अब उसमें बच्चे निकाले जा रहे हैं, फिर दोबारा उसमें भरे जा रहे हैं, बच्चे आते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, बुकलेट मिलती जा रही है, फिर दोबारा बच्चे फिर उतने जमा हो जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी, और अभी भी क्राउड देख सकते हैं आप लोग, बढ़ता ही जा रहा है। और अभी ये कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब तक ये क्राउड रहेगा, है ना। तो आप लोग बने रहिए, दिखाते हैं आपको कि प्रयागराज में बच्चों ने कैसे 15 अगस्त सेलिब्रेट किया है। और सुपर क्लाइमैक्स एकेडमी में ये हम लोगों ने भैया सेलिब्रेट किया है 15 अगस्त। मज़ा आ गया कसम से, बहुत ही ज़्यादा बच्चे आए हुए थे, और रात से ही बच्चे खड़े थे यहाँ पर, और इतना शोर कर रहे हैं क्या बताएं। और ये सामने ये बच्चा इधर खड़ा हुआ था, उसमें जब बच्चे जाने लगे तो वहाँ पर दौड़ते हुए गया। उसको फैकल्टी उसको रोक रही है, मना कर रही है, लेकिन वो फिर भी मान नहीं रहा है। क्या करें, बहुत देर से वो भी खड़ा हुआ है, परेशान हो गया है, बुकलेट उसको मिल नहीं रही है। आप लोग देख सकते हैं अभी भी भीड़ इतनी ज़्यादा है। मैंने बुकलेट ले ली है, मैं निकल रहा हूँ, और ये भीड़ पता नहीं कब जाके ख़त्म होगी।
और आप लोग देख सकते हैं कि ट्रक भी अभी जाम हो चुका है। आज 15 अगस्त है तो प्रयागराज में अभी सारे जगह पे भी सेलिब्रेट हो रहा था, इसलिए एक तरफ का ये जो ट्रक वगैरह है जो सारे उसको रोक रखे हैं ताकि जाम वगैरह ना लगे रोड पर और ट्रैफिक ना हो। तो भैया फाइनली मुझे बुकलेट मिल चुकी है और काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करने के बाद मुझे ये बुकलेट मिली थी। काफ़ी ज़्यादा धूप हो गई थी भैया, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो वंस अगेन आप लोग को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।